तो मैंने कहा भाई आप पेशाब में एहतियात नहीं करते छींटों इन चीजों से, या आपको जो है ना तो अजाब कबर है। उसने कहा यार कबर आएगी तो देखेंगे यार, हो सकता है बख्श दे अल्लाह ताला, अभी देखा नहीं है ना अजाब कबर, इसलिए क्या कह रहा है यार हो सकता है अल्लाह कोई नेकी काम आ जाए, अल्लाह बख्श दे, लेकिन अगर कोई अजाब कबर देख लेना तो फिर ये कैफियत नहीं होंगी, फिर तो वो ऐसा हो जाएगा कि उसको खौफ कम करना पड़ेगा उसका, कि भाई अल्लाह से उम्मीदें। तभी तो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी हदीसें उम्मीदों की मनकूल हैं, ऐसी रिवायतें हैं कि आम आवाम में हम उनको बयान करें ना तो डर लगता है कि लोग उसका गलत मतलब ना समझें। मिसाल के तौर पर एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया अगर तुम सब लोग गुनाह बिल्कुल छोड़ दो, कभी किसी से गुनाह हो ही नहीं, कोई गलती नहीं होती किसी से, अल्लाह तुम्हें खत्म कर देगा, मार देगा ऐसी कौम को, अल्लाह ऐसी कौम पैदा करेगा जिससे गुनाह हो फिर वो अल्लाह से तोबा करें, अल्लाह को तोबा पसंद है। सही हदीस है। अब अगर सिर्फ आप इतनी हदीस पब्लिक के सामने बयान कर दें तो इससे तो लोगों को गुनाह पे जुर्रत होगी कि नहीं होगी, लोग कहेंगे यार हम खाम खमे बच रहे हैं बिला वजह, गुनाह कर लेंगे फिर तोबा कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह को गुनाह से बचने वाले बिल्कुल भी पसंद क्या ख्याल है, अल्लाह तो कह रहा है गुनाह से बिल्कुल बचोगे तो मैं तो मार के खत्म कर दूंगा, ऐसे लोग मुझे चाहिए। भाई बात यह कि ये जिनको खिताब किया जा रहा है ना उनके दिलों में आग का इतना खौफ पैदा हो गया था, इतनी जहन्नम की आग का डर कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के तो रो रो के यहां नालियां बन गई थी अल्लाह के खौफ से, ये लोग आपके सामने बैठे थे, इतना खौफ का गलबा था हजरत उमर में, वो कहते थे कि कयामत के दिन अल्लाह मुझे जन्नत ना दे बस मेरे गुनाह माफ कर दे मेरी नेकियों के बदले तो बस मुझे ये भी कबूल है, मुझे डर है कि मैं पकड़ा ना जाऊं कहीं। हजरत अबू बकर पे ऐसा खौफ का गलबा, घास का तिनका उठा के कहते काश मैं घास का तिनका होता, मैं मिट्टी होता इंसान ना बनता ताकि हिसाब ना होता, ऐसा उनके दिमागों पे एक हिसाब किताब का खौफ मुसल्लत था। लेकिन ये कैफियत उनकी भी हर वक्त नहीं होती थी, तो ऐसे लोगों से इम्कान था कि कोई छोटा मोटा गुना हो जाए, तो जब हो जाता फिर वो कैफियत बहाल होती तो इनको खौफ का बहुत गलबा, इतना खौफ कि उससे इंसान अमल में पीछे मायूसी पैदा होने लगती है कि यार हम तो नेक बन ही नहीं सकते, छोड़ो जन्नत में जाने की, जैसे एक आदमी को पता है मैं कामयाब हो ही नहीं सकता तो वो इम्तिहान की तैयारी करना छोड़ देता है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, बेटा कोई बात नहीं इस दफा तरक्की पास हो गए, अगली दफा कराची में तो ये तसल्लियों पर ही चल रहा है सारा सेटअप ना, बेटा कोई बात नहीं इस दफा नंबरों से रह गए। अब एक पढ़ने वाला काबिल बच्चा है, आपको पता है मेहनत कर रहा है, सीए के पेपर दे रहा है, सीए के पेपर फर्स्ट पहली दफा में नहीं होता, उसमें फेल होते होते ही इंसान पहुंचता है, तो पहला पेपर दिया उसमें नंबर कम आ गए, दो नंबरों से रह गया, तो बाप अकलमंद होगा क्या कहेगा, कोई बात नहीं बेटा, शुरू में नहीं कहेगा कि बेटा फेल हो जाना कोई बात नहीं अगले में मेहनत, शुरू में तो कहेगा बेटा पास होना है तूने, अब देख लिया बेटा मेहनत कर रहा है फिर भी फेल हो गया, तो बाप अकलमंद क्या कहेगा, कोई बात नहीं बेटा ये तो सीए का पेपर है, इसमें तो पहली दफा अगर कोई पास हो जाए तो एबनॉर्मल होने की अलामत है ये, सही है ना। हाँ इसका मतलब इसका दुनिया में पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं है, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वो फेल हो के आगे जाते हैं। मैं बता दूं आपको, मैं जब मैट्रिक में आता ना, मैट्रिक तक हम लोग बड़े अच्छे अच्छे नंबर आते थे, मेरे भाई ने कहा ये पास होने का शौक सिर्फ मैट्रिक तक ही होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से बंदा फेल होना शुरू, वाकई फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा नवाजा, फर्स्ट ईयर में दो तीन पेपर मुश्किल थे हमने छोड़ दिया कि सेकंड ईयर में देंगे इसको इकट्ठे दे देंगे, तो और जहीं लोग मुश्किल से ही पास होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, उनका दिमाग इधर उधर चलता बहुत है, लड़कियां जो पढ़ाई में इतनी आगे हैं ना ये जहीन होने की अलामत नहीं है, ये उनकी फिक्र क्या होती है वो महदूद होती है ना, उनको पढ़ाई है तो पढ़ाई, आदमी के पास तो इतने मसले हैं, वो छोड़ो भी क्या क्या मसले आप लोग के, वो तो घूमा तो घूमता रहता है उसका दिमाग, वो अगर खुद पढ़ रहा होगा और कोई उसकी क्लास फेलो शौक से पढ़ रही होगी तो इसको वो पढ़ती भी ज्यादा अच्छी लग रही होगी किताब की निस्बत, असल तो ये है ठीक है ना, उसका दिमाग एक जगह टिकता नहीं है, फिर सोचता है फिर वो सियासी हालात और फिर बहुत सारे आदमी के दिमाग में ना चीजें भरी हुई होती हैं। पढ़ाई में नंबर लाने वाले दो किस्म के लोग होते हैं, या तो बहुत मेहनती जहीन या बहुत बेवकूफ, या तो बहुत ही मेहनती हो ना वो भी चले जाते हैं, या मैंने पढ़ाई बहुत बेवकूफ लोगों को देखा है कि नंबर अच्छे आ रहे होते हैं रटे लगा लगा के, दरमियानी तबका तो थोड़ा सा उसमें दिमाग होना वो फिर बहुत मुश्किल से पढ़ाई, वो टिकता ही नहीं एक जगह, वो फिर कभी वो बैठता है तो कहता है यार डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ तो ठीक है तो तैयारी करता हूँ, फिर कहते हैं मेडिकल कॉलेज जब थोड़ा मुश्किल लगता है कह रहे इंजीनियर बन जाओ ना मेडिकल कॉलेज की क्या जरूरत है, अगले दिन वो कहता है चलो इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ, फिर कहते हैं इंजीनियरिंग छोड़ो बिजनेस में देखो कितना पैसा यार, अगले दिन ये हमारे यहाँ लड़के बैठे हुए प्लान बना रहे होते हैं, फिर वो बिजनेस की तरफ आएगा, फिर कहते हैं इन सब छोड़ो चार शादियाँ करो रिस्क खुद बखुद आएगा, मुफ्ती साहब का बयान है आखिर में यहाँ के एंड होता है ठीक है ना, यार शादियाँ करो बच्चे पैदा करो अल्लाह कहता है शादियाँ करो रिस्क खुद बहुत छप्पड़ फाड़ के आएगा, तो यार फिर वो किसी काम का रहा ही नहीं, दिमाग उसका घूमता है। तो मैं क्या बात कर रहा था, कहां से कहां इतनी बातें मुंतशिर हो रही हैं, नहीं वो तो चल रहा था ये मिसालें यहां कहां से आई, मैं यर्ज कर रहा था कि दो जज्बे होते हैं ना इंसान में जो उसको मोटिवेट करते हैं, नहीं ये मिसालें यहां कहां से आना शुरू हो गई,
हाँ मैं अर्ज कर रहा था कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन सहाबा को यह हदीस बताई। मैं सीए की मिसाल दे रहा था कि यार एक पेपर रह गया तो बाप क्या कहता है कि बेटा ये तो सब के रह ही जाता है, ये तो सबका रहता है, कोई बात नहीं अगले में ट्राई कर लेना। तो सहाबा की हालत ये थी कि वो गुनाह को, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हम नबी के दौर में कोई किसी से गुनाह हो जाता ना तो हमें ऐसा लगता था जैसे कोई पहाड़ है हमारे ऊपर गिरने वाला है, ऐसा अल्लाह का खौफ होता था। आप खुद देखो ना, एक सहाबी से जिना हुआ, नबी से आके कह रहे हैं कि मुझे रजम करें, पत्थर मार के हलाक करें, नबी ने उनको निकाल दिया अपनी महफिल से कि जाओ, बता दिया गोया बज़बाने हाल के तौबा करो बस अल्लाह से, तसल्ली नहीं हो रही। दोबारा आए, या रसूल अल्लाह आप मुझ पे हद जारी करें, औरत भी ऐसा कर रही है, औरत का दिल तो बहुत कमजोर होता है, वो तो पत्थर मारना उसके लिए मुश्किल है, वो ये मंजर नहीं देख सकती कि लोग किसी को पत्थर मार रहे हो, और वो नबी के पास सहाबी आ रही है, या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया, आप मुझको रजम करें। नबी ने उनको भेज दिया वापस, जाओ, यानी इशारा कर दिया कि भाई अल्लाह से तौबा करो। दोबारा आई, चौथी बार आई तो नबी ने कहा कि तुम्हें हमल है, वापस चली जाओ। वो अगर दोबारा ना आती, नबी उनके पीछे किसी को नहीं भेजते। कितना खौफ, बच्चा जन लिया, बच्चा लेकर आई, या रसूल अल्लाह अब इसकी जान जाया नहीं होगी क्योंकि बच्चे का क्या कसूर था, आप मुझे रजम करें। नबी ने फरमाया अगर तुम्हें रजम कर दिया तो इस बच्चा तो मां के बगैर ये इसकी तो तरबियत ही नहीं हो सकेगी, ये तो रोटी पानी का मोहताज है। दोबारा चली गई, 7 साल का बच्चा हुआ ना रोटी खाने के काबिल। हमें भी जोश पैदा होता है गुनाह से तौबा का 2 मिनट के लिए, उसके बाद खत्म। कितना डिले किया नबी ने उनको कि ये वापस ना आए, वो वापस आई बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा कि ये खुद खाता है अब। तो फिर उनको रजम किया, जनाजा पढ़ाया नबी ने। हजरत उमर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह एक औरत ने जिना किया, आप जनाजा पढ़ा रहे हैं। तो नबी ने फरमाया लकद ताबत तौबत लव कुसिमत बैन सबईन मिन अहलिल मदीनति लवसियतहुम, ए उमर इसने ऐसी प्यारी तौबा की है कि अगर मदीना के 70 कबीरा मुर्तकिब गुनाहगारों में इसको डिवाइड किया जाए ना तो हर एक की बख्शिश के लिए काफी हो जाए। 70 आदमियों की तौबा इस एक ने की है, अकेली ने। तो ऐसे खानदानी लोग थे, गुनाह शैतान ने करा दिया, उनको ये कहा जा रहा है, उम्मीदें दिलाई जा रही हैं, इतने मायूस ना हो, कोई बात नहीं, हो गया, गिड़गिड़ाओ अल्लाह के सामने, ये गिड़गिड़ाना भी अल्लाह को पसंद है, और इतना पसंद है कि अगर सारे ही नेक बन जाए ना ऐसे सूफियों को अल्लाह खत्म कर देगा, अल्लाह कहेगा माफी मांगने वाले कहां गए भाई। तो ये उनके बारे में, हमारे बारे में कतन नहीं है कि हम क्या यार अच्छा हुआ हम भी गुनाह कर रहे हैं। भाई हम तो वो हमारी कैफियत ही नहीं बन रही गुनाह करके, वो हमें खौफ ही पैदा नहीं हो रहा। तो मैं जल्दी से असल बात की तरफ आता हूं कि भाई सिर्फ ईमान काफी नहीं है, वो कैफियत बनाना जरूरी है, तभी तो कुरान कहता है इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु, ईमान वाले वो हैं जब इनके सामने हमारी आयात तिलावत की जाती हैं, वजिलत कुलूबुहुम इनके दिल दहल जाते हैं, वइदा समीउ मा उनज़िला इलर रसूल जब ये उस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पे नाजिल हुआ, तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम, ऐ नबी आप देखते हैं इनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। ये वो कैफियत थी जो सहाबा की बनती थी, आज हमारे दिल क्या हो गए, खुश्क सख्त हो गए। कुरान कहते ना फवैलुल लिल कासियति कुलूबुहुम, जिनके दिल सख्त हो गए नसीहत की बात उनके दिल पे असर नहीं कर रही। अच्छा देखो कुरान बार बार दिल का जिक्र कर रहा है, दिमाग का जिक्र नहीं कर रहा, हालांकि बात जाती कहां है, पहले दिमाग में जाती है, लेकिन कुरान तस्किरा किसका कर रहा है, दिल का। वजह उसकी है कि दिमाग में कि जब जज्बात बनते हैं ना तो फौरन असरात कहां आते हैं, दिल पे आते हैं। आपकी बीवी आपसे कहना मुझे आपसे मोहब्बत है, आपको अगर बीवी से इश्क होगा एकदम आपके दिल की धड़कन, कोई अजनबी लड़की आपसे अगर कहे कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, किसी कमारे छड़े छाट से कहे, दिल एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाएगा ना, यूं जा रहा है, उसको काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा, अटैक ना हो जाए, उछल उछल के आएगा। तो असर दिमाग पे हो रहा है या दिल पे हो रहा है, दिल पे हो रहा है, दिल हिलेगा उसका। लेकिन बीवी सुबह से शाम बोलती रहे कि मुझे आपसे मोहब्बत है, आदमी कहता है तेरे इसके अलावा कोई काम नहीं है, वजह क्या है, वो जज्बात क्या हो गए, खत्म। तो दिमाग तो हिलेगा, दिल पे इतना सभी असर नहीं हो, और अगर होगा भी तो उल्टा होगा, यानी उल्टा असर, जैसे कोई खातून शादी से पहले कह देती ना आई हेट यू, तो वो वाला असर होगा, उसमें दिल हिलता ना, ये वाला हिलना शुरू हो जाएगा, इस तरह का दिल हिलता है। तो हाँ, तो कुरान क्या कह रहा है, कुरान सारी कैफियत किसकी जिक्र कर रहा है, दिल की। वजह क्या है, ये बताने के लिए कि सिर्फ ईमान काफी नहीं है, अमल के लिए किसका बनना जरूरी है, दिल, दिल की धड़कने, दिल की धड़कनों में ईमान पैदा हो जाए, दिल की धड़कनों से पता चले कि मोमिन है। अब सवाल वही मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ, बहुत सवाल कर लिया कि ये कैफियत पैदा करना जरूरी है, ये नहीं तो पता चल गया ना, इसको दुम में आग लगना कहते हैं। ये सहाबा इकराम में ये कैफियत थी, तभी मैदान जंग में तलवारें चल रही हैं, और एक सहाबी ने मन्नत मानी थी अल्लाह दोबारा जंग हुई तो देख मैं क्या करता हूँ, जब देखा जंग छिड़ रही है ये खजूर खा रहे थे, इन्होंने कहा चलो खजूर खत्म करके जंग में जाता हूँ, लेकिन कहा कि जन्नत करीब खड़ी हुई है भाई, जन्नत मेरे सामने, अल्लाह की कसम ये खजूर खाने का जमाना बहुत तवील है, इतनी देर में जन्नत, ना 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 अभी जाऊंगा, और लड़े और अल्लाह की राह में शहीद हो गए।
اور ہماری جو جنت پہ کیفیات بنتی ہیں, جنت پہ بیان سن لیا, یہ نہریں, یہ حوریں, تھوڑا سا خیال آتا ہے اچھا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. تو ایک دن بمشکل اٹھے گا, جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, فجر میں آ کے کھڑا ہو جائے گا فجر میں, بس اس کے بعد پھر 6 مہینے تک مارکیٹ سے شارٹ, ورنہ تو یہ بھی نہیں ہوگا. تو دم میں آگ لگانے کے لیے علماء کہتے ہیں دو کام کر لیں آپ, سمجھتے ہو کیا کر لیں؟ دو کام. ایک استہزار, جس چیز کو انسان بار بار سوچتا ہے نا وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بننا شروع. وہی مثال دیتا ہوں, آپ کھڑے ہوں اور وہی گٹر کھلا ہوا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ, آپ وہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچیں, بیٹا ذرا سوچ لے اگر گیا اور پاؤں اندر آیا تو تھوڑا سا کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو لگا کے گٹر میں گرتے ہوئے لوگوں کی دیکھ لے, تو دیکھ نہیں سکتا, سوچ تھوڑی دیر. جب بہت زیادہ سوچیں گے نا آہستہ آہستہ آپ کی وہ کیفیات بننا شروع, آپ کے دل میں خوف پیدا ہونا شروع. آپ ماشاء اللہ 130 کلو کے ہو گئے, گول ہو گئے, اب آپ لمبائی چوڑائی آپ کی کیا ہو گئی برابر, مٹھائی کے لڈو آپ کے سامنے رس گلے پڑے ہوئے ہیں, کسی نے کہا یہ رس گلے, دوسرے نے کہا بھائی تو اپنا موٹاپا دیکھ, شوگر ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, آپ نے کہا بے یار وہ دیکھا جائے گا, ابھی تو کھاؤ. لیکن کھانے سے پہلے استہزار کریں آپ, دو چار اپنے پرانے دوستوں کو ہسپتالوں میں دیکھیں جا کے, یا تصور کریں یار اس دن فلاں کا انتقال ہوا تھا, ایسے یوں پڑا ہوا تھا, ہیں بھائی تختے پہ ایسے ہی ہوگا نا, ایسے تختے پہ پڑا ہوا تھا, اچھا بھلا ہٹا کٹا تھا, اس دن فلاں کو برین ہیمریج ہوا تھا, اب وہ تھا, اب ہے, بولو. اس کا جنازہ اتار رہے تھے ہم قبر میں. جب یہ سوچنا شروع کریں گے نا تو وہ لڈو میں آپ کو وہ لڈو زہر لگنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو اس میں سانپ کے پھن نظر آئیں گے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, سانپ کے پھن نظر آئیں گے اس کے اندر. آپ اگر جتنا سوچو گے اتنا وہ زہر لگے گا, آپ کو اتنا زہر لگے گا. تو مریضوں کا جب انسان سوچتا ہے نا بھائی وہ بھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا ان کے ساتھ, سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر پھوڑتا چلا جائے گا, یقین تو ہے کہ ایسا ہوگا لیکن استہزار نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں استہزار. استہزار کا مطلب حاضر کرنا کسی چیز کو, دماغ میں لائیں اس کو. علماء کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے نا سوچا کریں, ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا میں, موت کا یقین سب کو ہے, استہزار نہیں ہے, سب کو پتا ہے مریں گے. کوئی آپ کو آ کے کہتے ہیں مریں گے تو کون سی کوئی نئی معلومات دے رہا ہے, پتا ہے مریں گے کیا کروں میں, مریں گے تو چلا فلم دیکھنے چلتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی دیر کھوپڑی استعمال کریں بیٹا اس کا مطلب پتا ہے کیا مریں گے کا, تھوڑی دیر سوچ لیں ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ہمارے حضرت سے جب ہم بیعت ہونے گئے نا تو حضرت سے بیعت ہو گئے ہم, حضرت نے وعدے کیے نماز پڑھیں گے یہ کریں گے, حضرت نے ایک عمل بتایا, فرمایا روزانہ 5 منٹ کسی بھی ٹائم پہ یہ سوچنا ہے کہ ایک دن میں پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہوں, دائیں کروٹ لیٹاؤ جی مفتی طارق مسعود صاحب, اس وقت مفتی بھی مشہور نہیں تھے, طارق صاحب کو دائیں طرف لیٹاؤ, ادھر سے پانی بہاؤ, ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں لیٹا ہوا ہوں, آپ لیٹو گے پتا, ابھی مجھے لگ رہا ہے آپ کو تھوڑی لگے گا, آپ بھی اتنے ہوشیار ہو میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ پھٹے پہ, میں آپ کو اس لیے میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچو, سمجھ رہے ہو, آپ بھی نا شیطان کہتا ہے اچھا یہ بھی لیٹے ہوئے ایک دن پھٹے پہ, تو آپ یہاں لیٹے ہوئے نہیں ہوگے پھٹے پہ,